स्पाइस की मैनुअल में जो हमारा 17 नंबर पर जो प्रोडक्ट दिया गया है वो है ऐसा फोजिटा यानी हींग। इसे मॉइस्चर पहला पैरामीटर दिया गया है, उसके लिए हम पुरानी वीडियो देख सकते हो आप स्पाइसेस में मॉइस्चर। टोटल एस के लिए भी एसिडिन मैंने और वीडियो बनाई हुई है, एल्कोहल एस्टेट के लिए भी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। उसमें जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है गाल्बना अमोनिया को मैन अदर फोर रेसिन, ये तीनों ही क्वालिटी पैरामीटर हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, गाल्बना के लिए हमें जो हमारा एल्कोहल एस्टेट होगा 10 ml सैंपल का, उसमें 10 ml डायलूट एसिल डालेंगे और अनटिल इट फेंट टर्बिडिटी पेयर, जब तक कोई टर्बिडिटी हल्की सी टर्बिडिटी या पेयर ना हो जाए। यदि ब्लूस ग्रीन कलर डेवलप होता है विच फेड्स ऑन स्टैंडिंग इंडिकेट्स एबसेंस ऑफ गाल्बनम, यानी इसमें गाल्बनम नहीं है जो कुछ देर बाद फेड हो जाता है। नेक्स्ट अमोनियम, उसके लिए हमें छोटे में हाइपरपरमाइट सोल्यूशन बनाना है। फ्रेश प्रोसेसर है, 4 ग्राम सैंपल लेंगे विद 90 ml ऑफ डिस्टिल वाटर इन मोटा पिस्टल में, फिल्टर करेंगे उसे, यानी मिक्स करने के बाद उसे फिल्टर करेंगे और मेकअप कर देंगे 100 ml। उसके बाद उस फिल्टरेट में से 2 ml लेंगे और 5 ml वाटर ऐड करेंगे टेस्ट ट्यूब में और उसमें 5 ml हाइपरपरमाइट सोल्यूशन डालेंगे धीरे धीरे डाउन द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब, सो एज टू ए फॉर्म ऑफ सेपरेट लेयर। यदि कोई भी रेड कलर अपेयर नहीं होता है इसका मतलब इसमें अमोनियम कम एब्सेंट है। नेक्स्ट पैरामीटर है फॉरिन रेसिन, इसमें क्या करना है हमें, एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ 99% एक्वस फेरिक्लोराइड सोल्यूशन टू ए 5 ml ऑफ एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट। जो हमारा सैंपल का एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट होगा कम हिंग का 5 ml लेके उसे उसमें हम 9% कुछ ड्रॉप डालेंगे फेरिक्लोराइड सोल्यूशन की। यदि ऑलिव ग्रीन कलर अपीयर होता है इसका मतलब उसमें फॉरिन रेसिन जो है एब्सेंट है, और ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है मिक्सचर सोर्स एब्सेंस ऑफ फॉरेन रीजन इन कंपाउंडेड एसोफोजिटा। ऐसी एसोफोजिटा दो तरीके होती है, कंपाउंड एसोफोजिटा जो ऊपर वाला मेथड है, ऊपर वाला जो दो लाइन लिखी है वो एसोफोजिटा के लिए है, जो नीचे वाली दो लाइन है ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगा वो है कंपाउंडेड एसोफोजिटा के लिए। ये हमारा यहाँ तक फॉरेन रीजन हो गया है। ये सब एसोफोजिटा के कंप्लीट पैरामीटर्स हैं। ये हमारा स्पाइस मैनुअल कंप्लीट हुआ। ये वीडियो आपको लाइक अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे आने वाली जितनी वीडियो हैं आपको नोटिफिकेशन और अपडेट आप होते रहें, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी मिलता रहे आपको। कमेंट करके भी कोई क्वेरी हो आपकी तो आप पूछ सकते हैं।